नमस्कार, आप सभी का होप एजुकेशन पोर्टल पर स्वागत है। आज हम कक्षा सातवीं के बच्चों को बसंत भाग दो का पाठ पांच पढ़ाने जा रहे हैं। मिठाई वाला बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता है, बच्चों को बहलाने वाले खिलौने वाला। इसे अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेह विचित्र कंठ से फूटा हुआ गाना गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती और गली और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों को का झुंड उसे घेर लेता। और तब वहाँ खिलौने वाला वही बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते इसका दाम क्या है और इचका और इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर वह खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला सागर की हिलोरों की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस तरह और से उस और तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला भोला कैचा चुंदल है ए। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैचा चुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इस बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसे पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुम्हें कितने के लिए हैं? मुन्नू बोला, दो पेचे में खिलौने वाला दे गए हैं। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय ही। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। छह महीने बाद नगर भर में दो चार दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वह मुरली बजाने में वह एक उस्ताद है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी दो दो पैसे में, भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी और ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है मुरली वाला, मैंने तो उसे देखा ही नहीं होगा, दुबला पतला गोरा युवक बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, वह तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वहाँ पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई वह उस्ताद, प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती है। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण आया और उसने मन ही मन खिलौने वाले वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ और चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है कि पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोथनी पजामा ही ढीली होकर लटक रही है। इसी तरह से दौड़ते हाफते हुए बच्चों का झुंड आ गया। एक स्वर में से वह सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली और अम भी लेंदे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको ठहरो, एक एक को देंगे, दो अभी इतनी जल्दी हम कहीं नहीं लौटने जाएंगे, बेचने तो आए हैं हम, और है भी इसी समय मेरे पास एक दो नहीं पूरी 57 है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे तीन तीन पैसे के हिसाब से है, पर आपको मैं दो दो पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप से मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम
लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को दो दो पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिम हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी की इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहक का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच ये पूछिए जो बाबूजी, असली दाम तो दो ही पैसे है। आप कहीं से भी दो पैसे में मूल्य नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, जब तब मुझ पर जो भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से दे दो तो और निकाल दो। दो मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंचे। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उनके पास कई रंग की मुरलियां थी, बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। बस यही अच्छी, बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी न चाहिए, यह लो नारंगी रंग की, अच्छा वही ले लो। ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही एक निकाल के रखी है। तुमको पैसा नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे। धोती पकड़ कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते तो बाबू हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ है, लो पैसे वापस लो, ठीक हो गए ना हिसाब, मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इसी तरह से मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर भी वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है कि भला आदमी जान पड़ता। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता, पेट जो न कराए वो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरे निकट की गली से सुनकर पड़ा। बच्चों को बहराने वाला मुरली वाला है। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का स्वर, मीठा स्वर और उसकी बच्चे के प्रति स्नेह बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृतियां भी क्षीण हो गई। 8 माह बाद सर्दी के दिन थे कि रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजा नुर्लिम्बित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली की से आवाज सुनाई पड़ी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। जब से रोहिणी नीचे उतर आई, उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, हाँ उसकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चुचिक की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, इतनी मिठाई दूं मां, ये नए तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं खुलती हैं, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा खांसी भी दूर करती है। कितनी दूर चपटी गोल पहलेदार गोलियां, पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो दे देते। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ यह अब मैं क्या तुम्हें क्या खैर मैं अधिक ना दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ही ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयां गिनने लगा, तो 4 की 2 दे। अच्छा 25 नहीं, सही 20 तो दे दे। अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव, अब मुझे ज्यादा करना कहाँ भी नहीं आता। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से भरी जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या फिर पहली बार आए हो, यहाँ के निवासी तुम हो ही नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, मैं कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक और आड़ से बोली, पहले ही यही मिठाई बेचते हुए आए थे और कोई चीज लेकर। मिठाई वाले हर्ष और विस्मय आदि भावों से डूब कर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था, उससे खिलौने लेकर आया। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला, अब तो वह उससे भी कुछ ना कुछ पूछने के लिए अस्थिर हो उठती। वह बोली, इन
व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता। हाँ, संतोष है, संतोष धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ। सुख कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा करूँ, क्यों करूँ, उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा, जब इतना बताया तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक, तुम्हारा खर्च ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने भी, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान व्यवसाय गाड़ी घोड़े नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे दो बच्चे थे, मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था, स्त्री सुंदरी सुंदर थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था, समय की गति विधाता की लीला, अब कोई नहीं दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, वे सब अंत में होंगे तो यही है, कहीं आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे, उस तरह रहता घुलघुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है, ऐसा जान पड़ता है कि जैसे वे इन्हीं से उछल कर हंस खेल रहे। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं इस तरह उसी तरह को पास जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा और उसकी आंखें आंसुओं से तर गई। इस तरह इस समय चुन्नु मुन्नु आ गए, रोहिणी से लिपट कर उनका आंचल पकड़ कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की दो पुड़ियाँ मिठाई वाले से भरी मिठाई वाले ने चुन्नु मुन्नु को दे दी और रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाकर और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना ना, अपने पैसे ले लिए जाओ भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा कि उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा।